हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसके अपन देखेंगे कुछ डिमेरिट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या होता है इसमें अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, फिर अपन देखेंगे डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, मतलब बार्टर सिस्टम करते टाइम क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, मतलब कौन कौन सी डिफिकल्टी बार्टर सिस्टम में पीपल को, लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो वो आज अपन कवर करेंगे। तो चलते हैं अपन अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो है मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। देखते हैं अपन बार्टर सिस्टम। बिफोर द इवैल्यूएशन ऑफ मनी, द एक्सचेंज डन ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। अपन क्या बात करते हैं, जब मनी मार्केट में नहीं आया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अपन यूज करते हैं रुपीज, ठीक है, और अपन इसके लिए एक नोट चलाते हैं जिसको अपन यूज करते हैं, ठीक है, 10 रुपीज का, 20 का, 40, 50 का, 100 का, ये सब क्या है, नोट्स है अपने पास, जिसके बदले अपन क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। अब जब पहले ये नोट्स वगैरह नहीं थे तब क्या चलता था, गुड्स के बदले गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो वीट उगा रहा है, ठीक है, और कोई इंसान है जो कॉटन उगा करके उसे क्लोथ बना रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि ये जो पर्सन है जो क्लोथ बना रहा है उसको वीट की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो वीट उगा रहा है उसको क्लोथ की जरूरत नहीं है, तो इनको जरूरत होगी ऐसी चीजों की, ठीक है। तो क्या होता है, वीट देगा कौन, ये पर्सन ए है जो वीट किसको दे देगा, क्लोथ वाले को दे देगा, और क्लोथ वाला आदमी इसको क्लोथ दे देगा, ठीक है। ये चलता था पहले के टाइम पे, मतलब आपने मुझे एक चीज दी मैं आपको एक चीज दे दूंगा, ये होता है बार्टर सिस्टम, यानी गुड्स के बदले गुड्स। बाकी जब पहले मनी नहीं आया था तब ये गुड्स के बदले गुड्स चीजें चलती थी, ये अपन समझ गए, उसको अपन क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। जब अपन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले एक्सचेंज करते हैं, जैसे मतलब मैं आपको कोई काम कर रहा हूँ तो आपने मेरा कोई काम कर दिया, मैंने आपको कोई चीज दी तो आपने उसके बदले मेरे को कोई चीज दे दी, तो ये होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, बार्टर कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन गुड फॉर सम क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड्स, मतलब इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज देते हैं, कोई गुड के बदले किसी और गुड का एक्सचेंज देते हैं, ठीक है। फॉर ए ट्रांजेक्शन टू टुक प्लेस देयर मस्ट बी अ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट। अब क्या होता था, इस टाइम में ये दिक्कत आती थी कि इसमें क्या होना चाहिए था, डबल कॉन्सिडेंस होना चाहिए। डबल कॉन्सिडेंस मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है जो वीट उगा रहा है और बी पर्सन है कोई जो क्लोथ बना रहा है। अब क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था कि ए को भी क्लोथ की जरूरत हो और बी को भी वीट की जरूरत हो, ठीक है, ऐसा होना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये दोनों आपस में गुड्स एक्सचेंज ही नहीं कर सकते। अब क्लोथ वाला बोले कि यार मेरे को वीट तो चाहिए, ठीक है, अब वीट वाला बोले कि नहीं मेरे को तो क्लोथ चाहिए ही नहीं, ऐसा हो सकता है ना, कि जैसे क्लोथ वाला बोले कि मेरे को वीट चाहिए, उसको तो नीड है, उसको खाना तो खाएगा वो, अब वीट वाला ये बोल सकता है नहीं मेरे को क्लोथ नहीं चाहिए क्योंकि मैंने क्लोथ पहले ही ले लिए थे, अब मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, मतलब एक इंसान कोई चीज़ खरीदना चाह रहा है तो दूसरा इंसान उसकी वो चीज़ खरीदना नहीं चाह रहा है, ये होता है, इसलिए क्या होती थी, यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी। दस बार्टर इकोनॉमी इज अ मनीलेस इकोनॉमी, ये क्या होती है, मनीलेस इकोनॉमी होती है जिसके अंदर अपन पैसों का यूज़ नहीं करते, यानी नोट्स वगैरह पैसे वगैरह नहीं चलते थे। इट इज ऑल्सो अ सिंपल इकोनॉमी वेयर पीपल प्रोड्यूस गुड्स आइदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर एक्सचेंज विथ अदर गुड्स विच दे वॉन्ट। अब यहाँ पे क्या करते थे, लोग चीज़ें उगाते थे, प्रोडक्शन करते थे खुद के कंजम्पशन के लिए भी और दूसरों के कंजम्पशन के लिए भी, मतलब अगर अपन किसी और को अपनी गुड्स देंगे तो उसके बदले अपन वो गुड्स ले सकते हैं जिसकी अपन को ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, उसको खाने के लिए 1 kg वीट चाहिए, ठीक है, उससे उसका काम हो जाएगा। अब वो कितना उगा रहा है, 10 kg उगा रहा है। 9 किलो फालतू का क्यों उगा रहा है, 9 किलो फालतू का इसलिए उगा रहा है क्योंकि वो 9 किलो सेल मतलब एक्सचेंज कर लेगा, जिससे क्या होगा, जिस और दूसरी चीज़ की जिस उसको ज़रूरत होगी तो वो दूसरी चीज़ ले लेगा। समझ गए अपन बार्टर सिस्टम क्या होता है, अपन प्रॉपर डीप में जाके समझ चुके हैं।
अब अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं, डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। अब अपन ने देखा इसकी डेफिनेशन पढ़ी तो अपने दिमाग में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ गई कि यार अगर ऐसी चीज हो तो क्या होगा, किसी कोई और लेना नहीं चाहे तो क्या होगा, ठीक है कोई बेचना नहीं चाहे तो क्या होगा, कोई बोल दे, ऐसी ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो आती है, ठीक है कि मतलब अपन सेविंग नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अपन पैसों को अपने पास रख नहीं सकते, जैसे अपन पैसों को रख सकते हैं वैसे चीजों को अपने पास रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज अपने दिमाग में आ जाती है। तो उसी हिसाब से अपनी क्या बनी है, कुछ डिफिकल्टीज बनी है जो रियल में होती है इंसान को जब बार्टर सिस्टम चलता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपने उस टाइम पे भी पॉइंट लिया था जब अपन डेफिनेशन पढ़ रहे थे, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस वॉन्ट। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए पर्सन कोई चीज खरीदना चाह रहा है तो बी भी ए पर्सन की कोई चीज खरीदना चाह रहा है, ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब जरूरी नहीं होता तब इंसान ट्रांजेक्शन कैसे करे, मतलब अगर ए पर्सन को बी पर्सन से क्लोथ चाहिए और बी पर्सन को ए से वीट नहीं चाहिए तो ट्रांजेक्शन कैसे होगा, ए पर्सन को क्लोथ कैसे मिलेंगे, बी पर्सन को वीट चाहिए ही नहीं तो कैसे मिलेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, समझ गए। फिर अपन बात करते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब अपन बात करते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक, इसके अंदर ऐसे देखते हैं कि ए पर्सन है जिसके पास कोई हॉर्स है, बी पर्सन है जिसके पास क्या है फूड है। अब क्या करना है, ए पर्सन को खाना खाना है, फूड चाहिए, ठीक है तो वो बी पर्सन के पास जाएगा और बोलेगा कि यार मेरे को खाना खाना है, तो बोलेगा आप उसके बदले क्या दे सकते हो, तो बोलेगा मैं आपको हॉर्स दे दूंगा इसके बदले, ठीक है वो मान गया। अब वो कह रहा है कि मैं आपको एक प्लेट थाली दूंगा, ठीक है एक प्लेट खाने की थाली दूंगा और आप मेरे को एक हॉर्स दे दो, तो वो सोचेगा अरे यार हॉर्स तो बड़ा कीमती है मेरा, ठीक है अब एक थाली के बदले में कैसे दे दूं, ठीक है मेजरमेंट नहीं है ना उसके पास कि यार कि हॉर्स तो इतना जरूरी है, हॉर्स की वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है फूड की, एक हॉर्स के मुकाबले तो कम है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे डिफिकल्टी आ जाती है कि यार मेजर वैल्यू नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो हॉर्स को अपने काट काट के दे दे, जैसे ये हॉर्स है ऐसा नहीं है कि मुंह काट के दे दे, हाथ काट के दे दे, पैर काट के दे दे, ऐसे थोड़ी कर सकता है क्या वो, ऐसे नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना चाहिए, एक मेजर वैल्यू होनी चाहिए जो किसके लिए होती है, मेजर करने के लिए होती है। जैसे आज के टाइम पे अपन क्या कर लेते हैं, आज के टाइम पे अपन क्या कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन को 100 रुपीज़ की चीज है तो अपन 100 रुपीज़ दे देते हैं, ठीक है ऐसा तो नहीं है अपन 100 रुपीज़ के बदले कोई अपना घर दे दें, ठीक है अपनी गाड़ी दे दें, ऐसा तो नहीं करते। तो इसलिए क्या था, उस टाइम मेजर वैल्यू नहीं थी तो इसलिए ये चीज की दिक्कत आती थी बहुत ज्यादा। फिर क्या बात करते हैं, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। अब यहाँ पे क्या आता है, जैसे वही ए पर्सन लेते हैं और एक बी पर्सन लेते हैं, ए पर्सन को क्या खरीदना है, एक घर खरीदना है और उसके पास क्या है शिप है, ठीक है शिप है या फिर गोट है, ये सब उसके पास है, ठीक है। अब बी पर्सन बोल रहा है कि बी पर्सन क्या है घर बनाता है, तो वो क्या बोल रहा है कि यार मैं आपको घर तो दे दूंगा बाकी मेरे को 5 शिप चाहिए, ठीक है या फिर 5 गोट चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं यार 5 तो ज़्यादा हो जाएगी, वो क्या कर रहा है बार्गेनिंग कर रहा है और कह रहा है कि नहीं यार आप एक काम करो 4 ले लो, तो कह रहा है नहीं नहीं 4 तो बहुत कम हो जाएगी, एक काम करो दोनों मिले और बोल रहे कि 4.5 कर लो, मतलब 4.5 शिप दे दो या फिर 4.5 वोट्स दे दो। तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी क्या, नहीं होगी, क्यों, ऐसा थोड़ी है कि वो कोई गोट है 4 गोट उसको साबू दे देगा और आधी गोट दे देगा, काट देगा उसको बीच में से, नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या कर सकते थे, मतलब ऐसे भी कोई गुड्स होते हैं जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, इसके अंदर अपन ये समझते हैं कि मतलब ऐसे गुड्स जिनको अपन डिवाइड नहीं कर सकते उसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो 4 गुड्स पे मान नहीं रहा है, ठीक है 5 गुड उसको देने नहीं है, समझ गए, मतलब 5 शिप उसको देनी नहीं है और 4 पे वो मान नहीं रहा है, कहीं तो होगा बीच में ट्रांजेक्शन, तो 4.5 पे हो रहा था तो वो क्या है पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीजें आ जाती है जिससे क्या होती है, दिक्कत हो जाती है किसको, बायर को और सेलर को, समझ गए अपन। फिर अपन बात करते हैं डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। अब क्या कर सकते हैं अपन, अपन को क्या होती थी बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी आती थी किसमें, स्टोर करने में। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ए पर्सन है उसके पास क्या है बहुत सारे वीट है, उसकी प्रोडक्शन क्या हो गई बहुत अच्छी हो गई, उसने सोचा कि यार
मैं 10 किलो प्रोड्यूस करता था और मेरा सारा काम हो जाता था उसमें, और मैं एक्सचेंज भी कर लेता था अच्छे से, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अब की बार प्रोडक्शन हुआ 20 kg का, ठीक है। अब 10 kg क्या है उसके पास एक्स्ट्रा है, अब वो क्या कर सकता है, वो सोच रहा है कि अरे यार एक काम करता हूँ मैं, ये रख लेता हूँ, अगले साल यूज़ ले लूँगा। उसने क्या किया, 10 kg रख लिए, और अगले साल देखा तो वो क्या हो गए, सड़ गए, खराब हो गए। तो मतलब ऐसे भी बहुत सारे गुड्स होते हैं जिनको स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है अपन वेजिटेबल को स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। कोई फूड हो उसको स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर अपने पास कोई मतलब एनिमल है उसको स्टोर करना पॉसिबल है, नहीं है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जिनको अपन स्टोर नहीं कर सकते, बाकी मनी जब आ जाएगा तो अपन मनी को स्टोर कर सकते हैं, अपन तिजोरी में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, बाकी ऐसे गुड के टाइम पे गुड्स के जगह पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब बार्टर सिस्टम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, यानी उधारी जब अपन लेते हैं तब बहुत डिफ़िकल्टी आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसने क्या किया, 1 kg टमाटो उधार लिया, किससे, ए पर्सन से 1 kg टमाटो उधार लिया। अब क्या हो गया, टमाटो की प्राइस बढ़ गई। अब जिस टाइम उसने टमाटो लिया था तब उसकी वैल्यू क्या थी, कम थी, मतलब वो 10 rupees kg मिल रहा था। अब क्या हो गई, अब वो 100 rupees kg हो गई, ठीक है, वैल्यू बढ़ गई। मतलब इसमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जो टमाटो थे 1 kg बहुत ईजी रेट में मिल जाते थे, मतलब 1 kg टमाटो 1 kg वीट पे मिल जाते थे, अब वही 10 kg वीट पे 1 kg टमाटो मिल रहे हैं। तो मतलब क्या हो गई, टमाटो की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब टमाटो की वैल्यू बढ़ने से जब उसने एक टाइम पे लिया था 1 kg वीट के बराबर पे, कि उसको 1 kg वीट देना था, बाकी अब क्या हो गया, वीट आपको जाना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, मतलब फ्यूचर में पेमेंट अपन जब बात करते हैं किसी चीज़ की तो क्या हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। कि आज के टाइम पे अगर वैल्यू ज़्यादा है, अगर वो कम वैल्यू देता है तो जिसने पहले दिए थे उसको उसका नुकसान हो जाएगा, और अगर वो ज़्यादा देता है तो जो लेने वाला था जिसने टमाटो लिए थे उसको नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं अपन बात को, तो इसलिए क्या है, दोनों में दिक्कत आती थी। मतलब वैसे अपन फ्यूचर में पैसा दें, यानी फ्यूचर में अगर अपन कोई गुड्स दें उसको फ्यूचर में चुकाएं वो चीज़, तो पॉसिबल नहीं हो पाती थी। इसमें क्या होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, अगर इसमें अपन बात करें, ऐसे देखें कि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हर एक आदमी है, एक आदमी है, अगर वो माने कि यार मेरे को जो भी चीज़ें खानी है, जो भी चीज़ें पहननी है, जो भी चीज़ें कंज्यूम करनी है, उसका प्रोडक्शन मैं खुद ही कर दूँ, ये चीज़ भी इंसान क्या कर सकता है, सोच सकता है। बाकी जब वो अगर ऐसा सोचता है, वो ट्राई भी करे, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक इंसान किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जो वीट उगा रहा है वो कॉटन भी उगा सकेगा, या फिर वो पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकेगा, मतलब शिप्स को वगैरह, गाय को, इन सबको पाल सकेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वो फार्मिंग करेगा तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास टाइम ना मिले दूसरी चीज़ों पे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो खाना नहीं बना पाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो हर चीज़ नहीं उगा पाए, किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसे क्या हो सकता है, अगर कोई इंसान सारी चीज़ें प्रोडक्शन करना चाहे तो उसकी इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं होती है कि वो सारी चीज़ें खुद कर सके, ठीक है। ये चीज़ किस में आती है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन में आती है, समझ गए अपन। अब एक बार मैं आपको इसका पूरा वापस रिव्यू दे देता हूँ। लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस में क्या होता है, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस में ये होता है कि मतलब दो जने राजी हो के मैं ये ले रहा हूँ और मैं ये ले रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर पॉसिबल भी होता है तो बहुत कम चांसेस पे होता है, ठीक है। लैक ऑफ कॉमन मेजर, मतलब एक कॉमन मेजर नहीं है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान दूध ले रहा है, 1 liter दूध ले रहा है, तो 1 kg वीट के बदले ले रहा है, ठीक है। अब ये हो सकता है 1 liter दूध की वैल्यू ज़्यादा हो, 1 kg वीट की वैल्यू कम हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो उस टाइम मेजरमेंट वैल्यू भी नहीं था कि बराबर आपसे मेज़र कर सकें। और ऐसे भी कोई गुड्स होते हैं, इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स में अपन देखते हैं कि ऐसे भी कोई गुड्स होते हैं जिनको भागना, मतलब हाफ करना वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अपन किसी एनिमल को डिवाइड नहीं कर सकते, समझ गए। फिर अपन बात करते हैं लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन में। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन में अपन ने क्या देखा कि मतलब एक कोई पर्सन है वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता, उसकी इतनी स्पेशलिटी नहीं होती है।
फिर अपन बात करते हैं डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, मतलब अपन लोन वगैरह उधार वगैरह कोई सामान रख ले बाद में चुकाए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ों की। फिर अपन बात करते हैं डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू मतलब अपन कोई भी ऐसी चीज़ें होती है जिसको अपन स्टोर करके नहीं रख सकते, मतलब अगर अपन फूड को, वीट को या फिर किसी एनिमल को स्टोर करके रखेंगे, मतलब अपन एक कमरे में बंद करके रख दिया तो वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकते हैं, जानवर्स वगैरह की मतलब एनिमल्स वगैरह की डेथ हो सकती है, फूड अपना ख़राब हो सकता है, तो मतलब ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं आती। तो अपन के ये सारी डिफ़िकल्टीज आती है, और जब ये डिफ़िकल्टीज आई तब इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, मनी निकलता है, कि मतलब ऐसा एक वैल्यू रखो जो सब एक्सेप्ट कर ले, समझ गए अपन, तो ये होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।